गुजरात टाइटंस के विस्फोटक बल्लेबाज रॉबिन मिंस का हुआ एक्सीडेंट, अब नहीं खेल पाएंगे आईपीएल। लेकिन इस एक्सीडेंट से मिला सरफराज को गोल्डन चांस, आखिर ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। उसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखें। बता दें कि आईपीएल 2024 से पहले एक बड़ी खबर गुजरात टाइटंस के लिए सामने आई है। टीम के खिलाड़ी रॉबिन मिंस का एक्सीडेंट हो गया है। जीटी के नए प्लेयर रॉबिन मिंस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उनको चोट भी लगी, हालांकि उनके पिता ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। रॉबिन मिंस को आईपीएल 2024 ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 3,60,00,000 रुपए में खरीदा था। झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंस का 3 मार्च को उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गए जब वे अपनी कावासाकी सुपर बाइक चला रहे थे। उसी समय उनका एक अन्य बाइक के साथ संपर्क हुआ और उनका अपनी बाइक से कंट्रोल खो गया। इसी वजह से बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था, जिससे रॉबिन के दाहिने घुटने पर चोट लग गई। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो रॉबिन मिंस को मामूली चोट आई है और उन्हें कोई खतरा नहीं है। उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। उनके पिताजी फ्रांसिस मिंस ने भी एक अपडेट इस बारे में दी है। उन्होंने न्यूज 18 को बताया, जब उसकी बाइक दूसरी बाइक के संपर्क में आई तो उसने कंट्रोल बाइक से खो दिया। फिलहाल कोई गंभीर बात नहीं है और वह इस समय ऑब्जर्वेशन में है। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 ऑक्शन में मोटी रकम हासिल करने के बाद वे उस समय सुर्खियों में आए थे जब उनके पिता से गुजरात टाइटंस के नए कप्तान सुमन गिल ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी। उसकी फोटो खुद सुमन गिल ने शेयर की थी, जबकि एक वीडियो गुजरात टाइटंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होनी है। अगर वे समय से फिट नहीं होते तो टीम के लिए ये चिंता की बात होगी। अगर डॉक्टर के मुताबिक 4-5 हफ्तों में रॉबिन की रिकवरी पॉसिबल होती है तो गुजरात टाइटंस के लिए ये अच्छी खबर होगी। अगर उनके रिकवरी में टाइम लगता है तो गुजरात टाइटन उनकी जगह इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले सरफराज खान को गुजरात टाइटंस में शामिल कर सकती है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में सरफराज खान को किसी टीम ने नहीं खरीदा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डेब्यू के पहले मैच में प्रदर्शन किया, ऐसा लग रहा था कि वह T20 मैच खेल रहे हैं और सभी सोच में पड़ गए, इन्हें आईपीएल में किसी ने क्यों नहीं खरीदा। सरफराज का टेस्ट क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आईपीएल में किसी भी टीम ने उन पे भरोसा नहीं किया। पर अब उनके सर पर इंडियन टीम का कैप लग चुका है, जिससे पूरे के पूरे चांसेस है कि रॉबिन मिंस अगर रिकवर नहीं होते तो गुजरात टाइटंस उनके बदले में सरफराज को अपने टीम में शामिल करेगी। हालांकि इसके लिए जीटी को पहले आईपीएल मैनेजमेंट को सब डिटेल बतानी पड़ेगी, जब ही उन्हें प्लेयर्स का एक्सचेंज मिल सकता है। सरफराज के लिए ये गोल्डन चांस है, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा हादसा हो। क्रिकेटर को तो अपने हेल्थ और सेफ्टी पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। उन्हें तो बाइक भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बाइक में कब इधर उधर हो जाए कोई सेफ्टी नहीं रहती। पर होनी को कौन टाल सकता है। आप भी दुआ कीजिए कि रॉबिन मिंस जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आईपीएल में डेब्यू करे।